Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we will talk about chloroplast. Chloroplast is a double membrane bounded organelle which is present in only photosynthetic cell. Only photosynthetic cell का मतलब है कि ऐसे cells या फिर ऐसे organism जो कि photosynthesis कर पाएंगे उनमें पाया जाएगा chloroplast. Because chloroplast contains green pigment called chlorophyll. ठीक है ना. और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ओनली ग्रीन प्लांट्स में, विच कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना. तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? ओनली इन ग्रीन प्लांट्स. जो भी आपको ग्रीन प्लांट दिखते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट. कहाँ पे? उनके लीफ में, जो लीफ के स्टोमेटा रहते हैं, स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर पे जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट है. एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पे एक पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट का जो डायामीटर रहता है वो है 4 से 6 माइक्रोमीटर. प्लांट का ग्रीन कलर है क्लोरोफिल के कारण, और ह्यूमन बॉडी में जो हमारे ब्लड का कलर होता है रेड, वो है उसके हीमोग्लोबिन के कारण. तो जो क्लोरोफिल है इट रिजेंबल्स विद हीमोग्लोबिन. ये सेम एक्ट करते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है. ऑलराइट, दोनों आपस में सेम फंक्शनिंग करते हैं. जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्लड रहता है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स पे, बॉडी पार्ट्स पे. तो अगर हम बात करें द डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, तो पहले मैं आप एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे द आउटर मेम्ब्रेन एंड उसके अंदर पे उसकी इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. सो इट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज इनर मेम्ब्रेन. ठीक है ना. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्शन एंड सेमी परमेबल की तरह एक्ट करती हैं, उसके अंदर पे होते हैं उसका डीएनए. जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास खुद का डीएनए होता है, जिस वजह से क्लोरोप्लास्ट खुद से रेप्लिकेशन कर पाता है. ठीक है ना. दो टाइप के सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं, जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, जो कि खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है न्यूक्लियस के अलावा, जिसके पास खुद का डीएनए है. इसमें रहते हैं राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स. ठीक है ना. अब इसमें मेन एक पॉइंट रहते हैं हमारे थायलाकॉइड सेल्स. अगर हम एक जो वेसल है, अगर मैं एक वेसिकल को ड्रॉ करूं तो एक को हम बोलेंगे थायलाकॉइड. ठीक है ना. एक वेसिकल को हम बोलेंगे थायलाकॉइड, और जब बहुत सारे द पाइल ऑफ अ थायलाकॉइड आर नोन एज ग्रैनम. इन्हें हम बोलते हैं ग्रैनम. तो एक थायलाकॉइड और जब बहुत सारे थायलाकॉइड आपस में अरेंज हो जाएंगे एज अ पाइल, तो उसे हम बोलेंगे ग्रैनम. तो इन्हें हम बोलेंगे थायलाकॉइड. थायलाकॉइड्स आर द वर्किंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट को फॉर्म कर रहे हैं. मतलब यही क्या कर रहे हैं, प्लांट में ग्रीन पिगमेंट को ले आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. यही है उसके वर्किंग यूनिट थायलाकॉइड. ठीक है ना. और यहाँ पे एक और ग्रुप, ये भी ग्रैनम, ये भी ग्रैनम, और ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं एक पैरेलल लाइन से. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं इंटरग्रैनम. इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरग्रैनम. ठीक है ना. तो थायलाकॉइड जो एक रहता है, एक वेसिकल, और उसके जो पाइल है, पाइल ऑफ अ थायलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम. और जब ग्रैनम आपस में इंटरलिंक है तो ये है नॉन ग्रीन प्लांट, ये है नॉन ग्रीन पार्ट. ठीक है ना. ये नॉन ग्रीन पार्ट है जो कि अटैच करता है टू और मोर ग्रैनम को आपस में. तो ये आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर
और यहाँ पे कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी रहते हैं, और जो ये बीच में ब्लैंक स्पेस है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है ना। तो इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है एनवलप, जो कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से बन के बनता है, जो एनवलप है। सेकंड है थायलाकॉइड, थायलाकॉइड क्या रहता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट है, जिससे कि ग्रीन पिगमेंट सिंथेसिस हो रहा है। और द पाइल ऑफ अ थायलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम, और ग्रैनम तो पूरा क्या है, एज अ पूरा काम कर रहा है उस पर। और ग्रैनम आपस में लिंक है यहाँ पे, यहाँ पे हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपस में लिंक होता है इंटरग्रैनम से, इंटरग्रैनम आपस में लिंक कर रहा है इसको। और जो ब्लैंक स्पेस है बीच पे, जो कि फ्लूइड जिसमें है पूरा फ्लूइड, इट कंटेन्स द ऑल द फ्लूइड पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स रहते हैं। तो स्ट्रोमा में एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट तो हो जाएगी थायलाकॉइड सेल्स पे, बिकॉज थायलाकॉइड पे क्या है, ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल थायलाकॉइड पे। बट व्हाट अबाउट द नाइट रिएक्शन, जो नाइट रिएक्शन है जो कि सनलाइट के अब्सेंस में होती है, डार्क रिएक्शन, नाइट मतलब कि डार्क रिएक्शन, वो होती है आपके स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ऑलराइट, तो अभी हमारी क्लास पे था पूरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायमीटर 4 से 6 माइक्रोमीटर, जो हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं उसको, और प्रेजेंस इन द थायलाकॉइड सेल्स, इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिस वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं और प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं सनलाइट को। और वो तीन इसके मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एनवलप, थायलाकॉइड एंड द लास्ट इज स्ट्रोमा। एंड उसके हमने पार्ट्स पढ़ लिए, ग्रैनम, इंटीग्रम, ठीक है, थैंक यू।